नमस्कार अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम गर्ल्स टॉप बनाएंगे। तो ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन में है। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसमें से हम पहले टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक अलग कर लेंगे। ये हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है। ये 2 पैनल है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ हमारी टॉप की 23 या 24 इंची के लेंथ में रखेंगे, इसके हिसाब से हमने लिए है। तो ये टॉप पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 13 इंची। 1 इंची मैंने इसका मार्जिन ले लिया है। तो ये फुल फैब्रिक मैंने 14 इंची में लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, शोल्डर मार्क लगाएंगे। शोल्डर मार्क हम लगा रहे हैं 7 इंच। आर्महोल भी हम 7 इंच लगाएंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब चेस्ट का हमने भी मार्क है, उसका 4th भाग लगाएंगे प्लस 1.5 इंची इसमें मार्जिन ले लेंगे। इसको भी मिला देंगे। अब कमर की जो भी मार्क है उसका 4th भाग ले लेंगे। यहाँ पे मैं 7.5 ले रही हूँ। 1.5 इंची हम मार्जिन ले लेंगे। सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। नीचे से हम 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क लगाएंगे और हल्का सा स्लोप दे देंगे। अब आर्महोल राउंड करेंगे। अब नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम आर्महोल और फिटिंग वाली मार्क को कट कर देंगे। अब ये 2 पैनल है तो 1 पैनल हम अलग कर लेंगे। बैक पैनल पर हम नेक मार्क लगाएंगे। तो विड्थ ले रही हूँ मैं नेक की 3 इंची और 2 इंची मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। अब राउंड शेप दे देंगे और कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पैनल है, इसे अब हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम फ्रंट पैनल को लेंगे, नेक मार्किंग करेंगे। विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंची। अब हम इसमें वी नेक बनाएंगे। तो लेंथ में ले रही हूँ इसकी 5.5। अब इसको वी शेप में मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हम हल्की सी पत्ती वाली डिजाइन देंगे। मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट आर्महोल मार्क लगाएंगे। तो अंदर की तरफ 1 इंची दबाते हुए हम मार्किंग करेंगे और कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये हमारा बैक पैनल रहेगा। तो टॉप पार्ट की कटिंग कर लिए, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 पैनल स्लीव्स के ले लिए हैं। इस तरीके से ये डबल फोल्ड है, इस तरीके से मैंने इसे डबल कर रखा है। इसी तरीके से हमारे पास 2 पैनल है बाजू के। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे बाजू की। तो इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। इसको मैंने 20 इंची लंबाई में रखा है और विड्थ इसकी रखी है मैंने 9 इंची। आर्महोल हमारे 7 इंची के हैं तो 2 इंची हमने एक्स्ट्रा ली है। अब इसकी हम नीचे से जिधर हमारा ओपन एरिया है उधर की साइड से हम 3 इंची पर मार्क करेंगे और आर्महोल शेप दे देंगे। नीचे की साइड हम कम कटिंग करेंगे क्योंकि नीचे हम इस पर थोड़ी सी प्लेट लगाएंगे
बॉटम पर, इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा ही कट लगाएंगे। जितना नीचे बॉटम पर फैब्रिक है वो पूरा ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे मार्किंग के हिसाब से। इस तरीके से हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। हल्का सा हम फ्रंट कटिंग कर देंगे इसकी आधा इंची दबाते हुए। इस तरीके से हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। अब टॉप की स्कर्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने दो पैनल लिए हैं। ये दो हैं हमारे पास, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। इन दोनों पैनल की लंबाई हमने और चौड़ाई इस हिसाब से रखी है। चौड़ाई रखी है हमने 38 इंच और लंबाई रखी है यहाँ पर 15 इंच। इसमें हमने मार्जिन भी लिया है, 2 इंची का मार्जिन है, सिलाई में जाएगा, नीचे फोल्ड में जाएगा। इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। चलिए इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। ये बैक नेक है, इस पर हम इसकी नाप की ही हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से एक पट्टी लेंगे, उसको डबल कर लेंगे। ये डबल कर लिया, फोल्डेड मेरी तरफ है और ओपन इधर रखेंगे हम। अब जैसे ही फोल्ड है उस उधर की साइड से ही नेक को रखेंगे और नेक के नाप की पट्टी कट कर लेंगे। अब नीचे से भी हम कट कर लेंगे। और इसे नेक पर सेट करते हुए सिलाई लगा के नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक पर और इसे नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर। इस तरीके से हमारा बैक नेक तैयार हो जाएगा। अब फ्रंट नेक को लेंगे। फ्रंट नेक के लिए हमने एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा लिया है और उसको नेक को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो पहले हम पत्ती वाली डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त हम ये डोरी बीच में डालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम कॉर्नर पर डोरी अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम डोरी को अंदर की साइड डालेंगे, ऊपर से नेक रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब अंदर का जो फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे कटिंग करके। अब हम इसे नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। तो इसे हम नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी डोरियां बन जाएंगी यहां से। अब हम ये बी नेक को बनाएंगे, तो इस पर भी हम इसी तरह से पट्टी कट करके नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे और ये नेक बनके तैयार हो जाएगा। तो पहले हम डोरी वाले नेक पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हमारा साइड बी वाला नेक रह गया है, तो इस तरीके से तिरछी पट्टी लेंगे। ये मैंने 1.5 इंची चौड़ी ली है। अब इसे हम डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। इसे हम सीधे की तरफ से रखेंगे पट्टी को। ये हमारा सीधा वाला एरिया है टॉप का। अब यहाँ से हम इसे लगाएंगे, सिल देंगे। अब इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। अब नीचे हम इसे फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और रेडीमेड वाली सिलाई लगा देंगे इस पर। जो एक्स्ट्रा ली थी उसे हम अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरीके से, एंड तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड भी मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली है। अभी हमारी बी शेप का नेक बन गया है। अब डोरी को हम बांध लेंगे। इस तरीके से हमारे ये बी नेक बन गया है और जो हमारी एक पत्ती वाली डिजाइन है वो भी आ गई है। अब दोनों नेक हमारी कंप्लीट है। ये भी हमने पट्टी लगा के कंप्लीट कर रखा है। अब दोनों के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से जो बैक वाली नेक की पट्टी है उसे थोड़ा बाहर रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए। अब देखिए इस पे जो पट्टी है हमारी बाहर की साइड है, तो इस तरीके से हम शोल्डर पर इस वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और नेक पर सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी जो शोल्डर वाली सिलाई है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरीके से बैक वाली नेक पर सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हमारा नेक बनके तैयार हो गया है, बैक और फ्रंट दोनों। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर भी इतनी फिनिशिंग के साथ आए हैं। हम नीचे इसमें स्कर्ट ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्कर्ट की में गैदर्स डाल के तैयार कर लेते हैं। स्कर्ट के दो पैनल है, एक पैनल को लेंगे हम, एक को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम किनारी किनारी सिलाई लगाएंगे और धागे को खींचते हुए इसमें गैदर्स बनाएंगे इस तरीके से। जितना हमारा टॉप पार्ट का बॉटम पार्ट है उतनी गैदर्स डाल देंगे इसमें। तो देखिए दोनों स्कर्ट के दोनों पैनल पे मैंने यहाँ पे सलवटे डाल दी है। अब हम इसे टॉप पार्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और कमर वाले हिस्से को इस पर स्कर्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पैनल पर इस तरीके से गैदर्स डाली है कि जो हमारा टॉप पार्ट है उसके यहाँ पर कमर पर बराबर आई हुई है ये। इसी तरह हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। दूसरे वाले को भी हम इससे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये स्कर्ट टॉप पार्ट से जुड़ के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने हल्की सी प्लेट डाली है कमर पर, टॉप पार्ट पर मैंने यहाँ पर प्लेट डाली हुई है। बैक में और फ्रंट में दोनों में हमने प्लेट डाली है आधा आधा इंची की। उसके बाद हम इसमें इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो स्कर्ट से हम टॉप पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों स्कर्ट को मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया है। देखिए ये दोनों हमारे जुड़ के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तरीके से दोनों आर्म होल को खोलेंगे और ये हमारी स्लीव्स है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को रखेंगे। यहाँ पर हम इसको स्लीव को रखेंगे और दोनों साइड को इस तरीके से दोनों आर्म होल पर इसे सिलाई करके ज्वाइंट कर देंगे। इधर वाली इस पर भी इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स हमारी जुड़ के तैयार हो जाएगी। आगे फिर मैं बताती हूँ आपको। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे बॉटम पर स्लीव्स की पे। तो दोनों साइड मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है। अब हम नीचे की साइड से स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे बॉटम पर। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे जितना कि हमारा इलास्टिक इसमें आ जाए। ये देखिए इस टाइप का इलास्टिक इसके अंदर आ जाए। तो हमें दोनों स्लीव्स के बॉटम को इतना ही फोल्ड करना है नीचे से और इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरीके से दो इलास्टिक ले लेंगे और पिन की सहायता से इसे जो हमने फोल्ड किया है क्लिप की बॉटम को उसमें से इसे डाल देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करेंगे, मैंने बताया था ना। दूसरी वाली को बताती हूँ आप। ये हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोल्ड किया था और फिर उसमें इलास्टिक को इस तरीके से पिन से डाल दिया है। अब दोनों साइड में हम इलास्टिक को रोक लेंगे, यहाँ पर हल्का सा टांका लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम इस तरीके से जितनी हमको स्लीव्स की मोहरी चाहिए उतनी हम रख लेंगे और फिटिंग लगा देंगे। तो इसी तरह से हम टॉप को दोनों साइड से फिटिंग वाला टांका लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी टॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं साइड वाली फिटिंग वाले टांका लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये टॉप बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे स्लीव्स को मैंने बना लिया इलास्टिक डाल के, दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पे बॉटम पर इलास्टिक डाली हमने। अब ये कंप्लीट है। नीचे से स्कर्ट बॉटम पर हम थोड़ा थोड़ा
डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, पूरे में से फोल्ड कर लेंगे और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा टॉप बन के तैयार हुआ है। नीचे से हमने इसे फोल्ड कर दिया डबल में, मात्र 1.5 मीटर कपड़ा था ये और फुल स्लीव्स में बहुत ही अच्छा टॉप बन के तैयार हुआ है। नेक भी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आया है। ये रेडीमेड डोरी है, आप इसे घर पे बना के भी डाल सकते हैं फैब्रिक वाली, उससे भी अच्छी लुकिंग देगा ये। मैंने इस टॉप को बना के कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो में।